अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मदीन और आज काफ़ी टाइम बाद हमारे स्टूडियो में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। कराची में कुछ लॉकडाउन चल रहा था जिस वजह से हम स्टूडियो में नहीं बना पा रहे थे और काफ़ी टाइम बाद टेक न्यूज़ लेकर आया हूं कुछ रीसेंट टाइम से। वीडियो में काफ़ी गैप आया है और अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा रेगुलर वीडियोज़ आएँ। टेक न्यूज़ की आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी तो आज मैंने सोचा कुछ टेक न्यूज़ बता देता हूँ और कुछ दराज पे डील्स भी चल रही हैं उसके हवाले से भी अपडेट करना है, कुछ प्राइस चेंज अलर्ट है, कुछ अपकमिंग डिवाइसेस के हवाले से अपडेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इसके अलावा एक गिव अवे भी है, कुछ गिव अवेज पेंडिंग भी हैं, मुझे याद है आप लोग मुझे रिमाइंड करा रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनके विनर्स भी सिलेक्ट करेंगे और मज़ीद गिव अवेज भी आ रहे हैं। अभी कुछ आगे चल के बताता हूँ आप लोगों को वीडियोज़ के बारे में, उसमें गिव अवेज भी आ रहे हैं, आप लोग एक्टिव रहिएगा। दोबारा से स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्राइस चेंज अलर्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रीनो 5 प्रो की प्राइस चेंज हुई है, 1,05,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था, अब यहाँ पे एक बड़ा प्राइस कट लगा है, 10,000 रुपये प्राइस रिड्यूस किया गया है और 95,000 रुपीज़ इसकी प्राइस कर दी गई है। तो ये एक बड़ा प्राइस कट है, रीनो 5 प्रो 95,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर अवेलेबल हो गया है। इसके अलावा नोकिया 225, नोकिया 225 के रेट कम हुए हैं, पहले 6,500 रुपये का था अब 5,900 रुपये का कर दिया गया है, यहाँ पे कोई 600 रुपये का प्राइस रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा प्राइस इंक्रीज भी हुए हैं, यहाँ पे इन्फिनिक्स ने नोट 10 की प्राइस इंक्रीज़ किए हैं, 6 GB रैम विद 128 GB रोम का वेरिएंट 26,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर अनाउंस किया गया था, इस पर 1,000 रुपये प्राइस इंक्रीज़ किया गया है और 27,000 रुपीज़ इसकी प्राइस कर दी गई है। प्राइस इंक्रीज़ की वजह से वजह नहीं बताई गई क्या रीज़न है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका डॉलर का जो इंक्रीज़ हुआ है रेट का यही रीज़न होगा, क्योंकि यहाँ पर आईफोन ने भी दोबारा से यानी तीसरी बार प्राइजेस को हाई किया है, प्राइजेस चेंज किए हैं, प्राइजेस बढ़ाई हैं और इसका रीज़न यही है कि डॉलर की फ्लक्चुएशन आ रही है, डॉलर के रेट में मुसलसल डॉलर ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से जो जो इम्पोर्ट्स होती हैं उनकी वो डिवाइस महंगी हो जाती हैं। आईफोन की सीरीज़ के अंदर आईफोन 12, 12 मिनी, 12 प्रो मैक्स इन सब के अंदर प्राइस हाई हुए हैं। मजीद बात करें अपकमिंग डिवाइसेस की, पाकिस्तान में अगस्त के महीने में जो जो डिवाइसेस आने वाली हैं, उससे पहले बता दूँ रिसेंटली कुछ डिवाइसेस लॉन्च भी हुई हैं इस लॉकडाउन के दौरान, दो वेरियंट्स कह सकते हैं डिवाइसेज तो नहीं, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 प्रो के अंदर 2 GB रैम विथ 32 GB रोम का वेरिएंट लेकर आए हैं 15,200 रुपये की प्राइस के अंदर। इसी तरह यहाँ पे टेक्नो की तरफ से भी एक डिवाइस आई है हॉट 10 प्ले जो कि ऑलरेडी मौजूद था, इसका एक नया वेरिएंट आया है 3 GB रैम विथ 32 GB रोम का वेरिएंट जो कि 17,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। तो ये दो वेरियंट्स हैं स्मार्ट 5 प्रो के अंदर भी और टेक्नो हॉट 10 प्ले के अंदर लेकर आया है, वेरियंट्स कह सकते हैं क्योंकि ये पहले भी मौजूद थे। स्मार्ट 5 के अंदर 3 GB रैम में 64 GB रोम आता था और 3 GB रैम में 32 GB रोम आता था, अब यहाँ पे 2 GB रैम में 32 GB रोम का वेरिएंट आ गया, नया वेरिएंट है। इसी तरह हॉट 10 प्ले के अंदर भी पहले 2 GB रैम में 32 GB रोम आता था और 3 GB रैम 64 आता था, अब ये 3 GB रैम में 32 GB रोम का वेरिएंट लेकर आया 17,000 रुपये की प्राइस के अंदर। अब मेन मेन स्पेस की बात करें तो यहाँ पे दोनों डिवाइस के अंदर 6,000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है और ये इसका हाईलाइटेड फीचर है, 13 MP का बैक साइड पर कैमरा है, फ्रंट साइड पर 8 MP का, दोनों में यहाँ पे कैमरा मिलेगा। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 6.2 इंच का डिस्प्ले है जबकि हॉट 10 प्लस 6.8 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है, तो ये कुछ मेन हाईलाइट्स हैं और ये वेरियंट्स लॉन्च किया गया है लॉकडाउन के दौरान। इसके अलावा अपकमिंग डिवाइस की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड है यहाँ पर रीनो 6 सीरीज भी आ रही है और ये एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के महीने में ही आएगी, अगस्त के एंड तक एक्सपेक्टेड है और काफ़ी मुझसे क्वेश्चन आ रहे थे रीनो 6 के बारे में, तो रीनो 6 सीरीज अगस्त के एंड पे एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी यहाँ पे कंफर्म डेट नहीं है मेरे पास, जैसे ही कंफर्म डेट आएगी तो नेक्स्ट टेक न्यूज़ में शेयर करेंगे। प्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे अबव 60 के एक्सपेक्टेड प्राइस है रीनो 6 की, 6 प्रो की प्राइस की अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है लेकिन 60 के यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस आई है रीनो 6 सीरीज़ की। और ओप्पो ने यहाँ पे डिज़ाइन को काफ़ी इम्प्रूव किया है, डिज़ाइन चेंज किया है, जिस तरह हमें आईफोन के अंदर आईफोन 12 सीरीज़ के अंदर डिज़ाइन देखने को मिला, इसी तरह रीनो 6 का भी डिज़ाइन बनाया गया है, बहुत देखने में खूबसूरत है। जब डिवाइस आती है पाकिस्तान में तो फिर इसकी अनबॉक्सिंग और उसके रिव्यूज़ भी लेकर आएंगे। इसके अलावा मजीद बात करें यहाँ पर तो सैमसंग की तरफ से भी कुछ फ्लैगशिप लेवल की डिवाइसेज आ रही हैं, 11 अगस्त को इवेंट है और ये जो है सैमसंग का साल का सबसे बड़ा इवेंट है, सैमसंग की फ्लैगशिप डिवाइसेज इस इवेंट में लॉन्च होने वाली हैं, तो इस इवेंट को इंशाल्लाह लाइव कवर भी करेंगे, आप लोग भी साथ रहिएगा हमारे, और इस इवेंट के जो लाइव वीडियो होगी हमारी उसमें काफ़ी सारे गिव अवेज भी हैं, तो आप लोगों ने एक्टिव रहना है। जब 11 अगस्त को हम लाइव आएंगे
7 बजे 7 PM पे हमारा ये इवेंट होगा लाइव का, चैनल पे हम लाइव होंगे, तो उस टाइम पे हम काफी सारे गिवअवेज भी अनाउंस करेंगे और आप लोग जो जो लाइव होगा उसके अंदर वो उसका विनर हो सकता है। डिवाइसेस कौन सी आ रही है वो भी बहुत जल्दी आपको बता दूंगा नेक्स्ट न्यूज में। इसके अलावा टेक्नो की तरफ से मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था टेक्नो फैंटम एक्स अगस्त के एंड तक आएगा और ये न्यूज एक्सक्लूसिव मैंने ही आप लोगों को दी थी कि अब लेस देन 100 यूनिट्स आ रहे हैं और अगस्त के एंड पे आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे डिवाइस पाकिस्तान में नहीं आ रही, लेकिन बाद में हमारे पास एक कन्फर्मेशन आई थी कि डिवाइस आएगी, लिमिटेड क्वांटिटी होगी, सिर्फ ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा यानी daraz.pk पे आएगी और अबव 50K डिवाइस होगी, 70 पे नहीं जा रही, कुछ लोग 70K की एक्सपेक्टेशन दे रहे थे लेकिन अबव 50K होगी, 55 से 60K की एक्सपेक्टेड प्राइस है और डिवाइस का फर्स्ट इंप्रेशन भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, नहीं देखा तो आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिवाइस बहुत खूबसूरत है, स्पेसिफिकेशन भी अच्छी है, लिमिटेड आ रही है तो आप लोगों को रेडी रहना होगा, पहले आपको अपडेट कर दूंगा जब डिवाइस लॉन्च होने वाली होगी। इसके अलावा कुछ लीक्स भी आ रही है, रेडमी 10 की तरफ से लीक्स आ रही है, रेडमी 10 अभी कंफर्मेशन नहीं है पाकिस्तान में कब आएगी, लेकिन ग्लोबली लॉन्च इवेंट की लीक्स आ रही हैं जिसमें 50 MP कैमरा को बताया जा रहा है, 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले होगा और इसके साथ साथ यहाँ पे 6128 का वेरिएंट होगा और एंड्रॉयड 11 विद MIUI 12 वेरिएंट यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हाईलाइट लीक्स हुई हैं अभी, बाकी स्पेक्स यहाँ पे नहीं बताई गई और ना ही अभी लॉन्च डेट बताई गई है, लेकिन जैसे ही कुछ कंफर्मेशन आएगी पाकिस्तान में या ग्लोबली तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी कम्युनिटी पोस्ट में। इसके अलावा रियलमी की तरफ से भी कुछ डिवाइसेस की लीक आ रही हैं, रियलमी C25S के नाम से लीक आ रही है डिवाइस की, जिसमें 3 हाइलाइटेड फीचर्स बताए जा रहे हैं, 4 हाइलाइटेड फीचर्स हैं जिसमें 48 MP का कैमरा है, G85 की चिपसेट है, 6000 mAh की बैटरी है विद 18W क्विक चार्ज। तो ये चार तीन चीज़ें हाईलाइट बताई जा रही हैं C25S के नाम से। अब देखते हैं डिवाइस कब आती है पाकिस्तान में और क्या प्राइस होती है। इसके अलावा रियलमी की कुछ डिवाइसेज हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बनी हुई है इस टाइम पे, लेकिन ये डिवाइसेज शॉर्ट हैं, डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं, रियलमी 8 और रियलमी 8 प्रो। ये दो डिवाइसेज काफ़ी टाइम से मार्केट में नहीं हैं, ऑनलाइन भी नहीं है, कुछ टाइम के लिए सिर्फ जो ऑफिशियल आउटलेट्स थी रियलमी की वहाँ पे अवेलेबल की गई थी, लेकिन अब वहाँ से भी स्टॉक ख़त्म हो चुका है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है रियलमी 8 प्रो की और रियलमी 8 की। इसका रीज़न यही है, जब से इम्पोर्ट टैक्स लगा है तो इन डिवाइसेज को इम्पोर्ट करने पर ये वो प्राइजेज नहीं पड़ रही जिस प्राइस में लॉन्च की गई थी, तो रियलमी नहीं चाह रहा कि प्राइस को इंक्रीज़ करे, इसलिए इन डिवाइसेज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इम्पोर्ट नहीं कर रहा और पाकिस्तान में अभी इसका असेंबलिंग शुरू नहीं हुई है, वैसे डिवाइसेज शॉर्ट है मार्केट में। और इसके अलावा लास्ट में बात करते हैं, दराज पे आज़ादी सेल चल रही है जिसमें काफ़ी डिवाइसेस अच्छी प्राइसेस के अंदर भी आई हुई हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मेन पेज का लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे आप ऑफिशियल ब्रांड की तरफ से डिवाइसेस बाय कर सकते हैं अच्छी प्राइसेस के अंदर, मार्केट से भी कम प्राइसेस के अंदर, और आपको मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट लेना है दराज पे, आपने किस तरह वाउचर यूज़ करने हैं, बैंक डिस्काउंट किस तरह यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस पे दोबारा से एक वीडियो बना दूं दराज की आज़ादी सेल पे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अभी मैंने कुछ फ़ोन सेलेक्ट किए हैं जो कि अच्छी प्राइजेस के अंदर आए हुए हैं, जो कि मार्केट से कम प्राइस के ऊपर आपको मिल जाएंगे दराज पे, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर ओप्पो का A15 है, ओप्पो F19 है, ये भी अच्छी प्राइस के अंदर आया हुआ है। इसके अलावा रियलमी का C21 जो कि प्राइस कट लगने के बाद अच्छी प्राइस के अंदर आ गया है, मजीद डिस्काउंट भी मिल रहा है दराज पे इस पे आपको। इसके अलावा टेक्नो कैमन 17 अच्छी प्राइस के अंदर आया हुआ है, पोको M3 प्रो, पोको X3 GT, इन्फिनिक्स नोट 10, ये कुछ डिवाइसेज मैंने सेलेक्ट करके निकाली हैं जो कि काफ़ी अच्छी प्राइजेस के अंदर हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे अगर आप बाय करना चाहते हैं, और अगर आप उस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे किस तरह बाय करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट किस तरह लेना है, वाउचर किस तरह यूज़ करने हैं और बैंक डिस्काउंट किस तरह लगाना है। तो अभी तक की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।